Hello friends, I'm glad you are here. My name is Sushma Singh. I'm author, life coach and transformation facilitator. So today I'm going to talk to you about how to overcome stress. So before beginning, agar main aapse ye puchu ki aapko stress hota hai, to aapme se zyada tar logo ka ye answer hoga, of course hota hai, kise nahi hota. To aap bilkul sahi hain, kyunki research bhi prove karti hai ki stress aaj ki date mein ek pandemic hai. Like हर दूसरे इंसान को स्ट्रेस हो रहा है वन ऑफ द अदर रीजंस की वजह से. सो आज मैं आपको देने वाली हूँ सॉलिड क्विक टिप्स जो अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि आप खुद देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना कंट्रोल हो गया है. आपका आपके लाइफ पे आपके स्ट्रेस लेवल पे बहुत कंट्रोल आ गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मेरा पहला टिप है एक्सरसाइज करना. सो सी एक्सरसाइज इज समथिंग जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं. उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको स्ट्रेस में हेल्प करती है कि वो कुछ तरह के केमिकल्स सिक्रीट करती है आपकी बॉडी में, जिससे आपको ना फील गुड फैक्टर, आपको अच्छा फील होता है. और डेफिनेटली अगर आपको अच्छा फील होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. लेकिन अगर आपको उसके बेनिफिट, एक्सरसाइज के बेनिफिट आपको स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर. एटलीस्ट 30-35 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे. आप खुद देखिए कि आप किस तरह से ये 30-35 मिनट्स निकाल सकते हैं और किस तरह से उसे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट इफ यू डू इट एवरी सिंगल डे देन आई कैन गारंटी यू कि आपका स्ट्रेस लेवल आपको बहुत ही कंट्रोल होता हुआ आप खुद ही फील कर सकते हैं. माय सेकंड टिप इज ईटिंग वेल. सी आपने ये सुना ही होगा जैसा अन्न वैसा मन. तो हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो हमारे माइंड पे बहुत अफेक्ट करता है. अगर हम डेड जंक फूड खाएंगे तो हमारा माइंड, हमारे थॉट्स वैसे ही होंगे. अगर हम लाइटली फ्रेश ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होलसम घर का बना हुआ खाना खाते हैं जो कि लाइवली फूड होता है, जिसे हम कहते हैं कि उनकी हाई प्राणिक वैल्यू होती है. सो अगर हम वैसे फूड खाते हैं तो वो हमारे माइंड पे, हमारी थॉट पे बहुत कंट्रोल करते हैं. सो इनडायरेक्टली वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू ईट हेल्थी और यू नो होलसम डाइट. माय थर्ड टिप इज आप वो पैटर्न फाइंड आउट कीजिए जिससे आपको स्ट्रेस होता है. आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है आप जर्नल कर सकते हैं. आप कहीं पे लिख सकते हैं कि मुझे ये चीजें होती है जिस जब मुझे स्ट्रेस होता है. जस्ट राइट इट डाउन. जब आप कुछ दिन कंटिन्यूअसली लिखते जाओगे एंड व्हेन यू सी सिट डाउन एंड उसको एक ट्रैक डाउन करोगे तो आपको ना एक पैटर्न दिखेगा. कुछ ना पर्टिकुलर सिचुएशंस या कुछ पर्टिकुलर लोग या कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होंगे, आप देखेंगे कि वो एक कॉमन पैटर्न है. जब आप ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, वो हो सकता है कम्यूट करने के टाइम वो सिनेरियो है जो आपको ज्यादा स्ट्रेस करता है. तो वो जो भी है वो पैटर्न आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप उसे जर्नल करेंगे. तो अब आपको पता है कि क्या चीज है जो आपको ट्रिगर करती है. तो आप या तो उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दीजिए या फिर एटलीस्ट उसे कम करने की कोशिश कीजिए. मेरा नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन. मेडिटेशन के लिए मुझे कुछ बहुत बोलने की जरूरत नहीं. आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको एक्चुअली सेंटर होने में बहुत हेल्प करता है, आपको माइंडफुल होने में बहुत हेल्प करता है. और जब आप माइंडफुल होते हैं, जब आप सेंटर्ड होते हैं तो आपका आपके थॉट्स पे बहुत कंट्रोल रहता है. सो दैट वे आप अपने स्ट्रेस पे भी इजिली कंट्रोल कर पाते हैं. सो ये मेरे टिप्स थे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपकी लाइफ में. एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस लेवल में जरूर कंट्रोल दिखाई देगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू शेयर इट विद पीपल जिनको ये हेल्प कर सकता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. बाय बाय. थैंक यू.